गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट क्वेश्चन एग्जाम का केस स्टडी का पार्ट चल रहा है, तो इसको आगे पढ़ते हैं। यहां तक हो गया था अपना पार्ट। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। आई हरीड, हरीड का अर्थ होता है जल्दी से, बैक यानी वापस, टू द रूम यानी मैं जल्दी से उस कमरे के अंदर वापस चला गया। फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस यानी निराश या हताश, बहुत ही हताश या निराश महसूस करते हुए मैं उस कमरे के अंदर वापस चला गया जहां पर अनिल सोया हुआ था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि किसी चीज को चुराना बहुत ही आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बजाय इसको सुरक्षित पहुंचाने के, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना बहुत ही आसान होता है बजाय इसको सुरक्षित पहुंचाने के, यानी किसी चीज़ को सुरक्षित पहुंचा सकते हैं लेकिन अगर उसे पहले चुरा लें और फिर उसे पहुंचाए तो कितनी दिक्कत होती है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप शांति से दरवाज़ा खोला। Then stood in the doorway, और फिर मैं दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। In clouded moonlight, यानी बादलों भरी चंद्रमा की रोशनी के अंदर मैं दरवाजे के बीच में खड़ा रहा। अनिल वाज स्टिल यानी अभी भी, एस्लीप यानी सोया हुआ था, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रीप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, यानी मैं उसके बिस्तर के सिरहाने की तरफ यानी सिर की तरफ रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मेरा हाथ नोटों के साथ बाहर निकला, यानी मैंने अपने पायजामे की डोरी से जो नोट बांध रखे थे उन नोटों के साथ मेरा हाथ बाहर निकला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने अनिल की सांसों को अपने हाथ के ऊपर महसूस किया। मैंने अनिल की सांसों को अपने हाथ से महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, यानी अभी भी एक मिनट के लिए मैं वहीं रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने उस गद्दे के किनारे को ढूंढ लिया, यानी मेरा हाथ उस गद्दे के किनारे की तरफ चले गए। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, तथा मैंने मेरे हाथ को स्लिप्ड यानी खिसका दिया, अंडर यानी इसके नीचे, इट यानी इस गद्दे के नीचे, विद द नोट्स, अब मैंने अपने हाथ को नोटों के साथ इस गद्दे के नीचे खिसका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह काफ़ी देर से उठा। टू फाइंड, मैंने देखा दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेक टी, मैंने देखा कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। मैं सुबह लेट से उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने चाय बना ली थी। He stretched out his hand towards me. अब उसने stretched मतलब फैलाया। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी तरफ अपना हाथ फैलाया। There was a 50 rupees note between his fingers. There was a 50 rupees note, यानी 50 रुपये का नोट था between his fingers, उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। My heart sank, मेरा हृदय डूब गया। I thought, मैंने तो सोचा था, I had been discovered, मैंने तो सोचा था
आई हैड बीन डिस्कवर्ड कि मैंने उन पैसों को खोज लिया था, अर्थात इस बात का अनिल को पता लग गया था, मैंने ऐसा सोचा था। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड, अब उस अनिल ने ये टिप्पणी करते हुए कहा, ये व्याख्या करते हुए कहा, आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं या कल मेरे पास कुछ पैसे आए हैं। नाउ अब यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान दिया जाएगा। अनिल ने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं और अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान दिया जाएगा, यानी तुम्हें हर महीने पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज, यानी मेरी आत्मा, स्पिरिट का अर्थ होता है आत्मा, मेरी आत्मा जाग उठी। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को लिया, बट वेन आई टुक यानी लिया, द नोट यानी उस नोट को, लेकिन जब मैंने वह नोट लिया, आई सा इट, तो मैंने इसे देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, यानी यह अभी भी रात की बरसात से गीला था। मैंने महसूस किया कि वह नोट अभी भी रात की बरसात से गीला था। टुडे वी सेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, उसने कहा, टुडे यानी आज, वी सेल स्टार्ट यानी हम प्रारंभ करेंगे राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम वाक्यों को लिखना प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, ऐसा उस अनिल ने उस हरी सिंह को कहा। ही न्यू, वह जान गया, बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके होठ और न ही उसकी आंखें कुछ प्रदर्शित करती थी। आई स्माइल एट अनिल माई मोस्ट अपीलिंग वे, आई स्माइल एट अनिल यानी मैं अनिल की ओर मुस्कुरा रहा था, माई मोस्ट अपीलिंग वे अपने आकर्षक ढंग से, एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और यह मुस्कुराहट केम बाई इट सेल्फ अपने आप ही आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, अर्थात मैं बिना किसी प्रयास के उस अनिल की ओर अपनी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा। ये पाठ कंप्लीट हो चुका है आपका, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स वाला करना है, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 एंड 50 वर्ड्स गिवन, इसके अंदर करना है, एक तो दूसरा करना है, दूसरा करना है, एक तीसरा करना है, चौथा करना है और एक छठा करना है। डी के अंदर देखो 32-40 वर्ड्स ईच अदर, तो इसके अंदर करना है, एक तो तीसरा करना है, एक करना है फर्स्ट, करना है फर्स्ट और थर्ड करना है, ई के अंदर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा करना है, आगे कल दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे।